नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी को मिलने वाला है नया टैंक। सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार भारतीय सेना को इस नए टैंक की जरूरत क्यों पड़ी, और जो नया टैंक मिलने वाला है उसका नाम है जोरावर। दरअसल दोस्तों, इंडियन आर्मी में अलग अलग किस्म के टैंक है, जैसे की T-90M विषम, T-72, DRDO का अर्जुन और भी बहुत सारे टैंक है। फिर भी हमारी DRDO जोरावर टैंक बना रही है। और सबसे बड़ी बात, इस टैंक का नाम जोरावर क्यों रखा? तो दोस्तों, जोरावर टैंक का नाम डोगरा फौज के एक जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है, जो एक बहुत ही बड़े योद्धा थे जिन्होंने अपनी सेना के साथ तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, अब बात आती है कि आखिरकार भारतीय सेना को इन टैंकों की जरूरत क्यों पड़ी। आप सबने डोकलाम के बारे में तो सुना ही होगा। जब चीन की सेना और भारतीय सेना के बीच स्टैंड अप हुआ था, उस समय चीन ने अपनी लाइट टैंकों को भारत के सामने खड़ा कर दिया, और यही लाइट टैंक बड़े आराम से इन पहाड़ियों पर ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके जवाब में भारत ने भी अपने भारी भरकम टैंक T-90 को भी चीन के सामने खड़ा कर दिया। दोस्तों, ये जरूरत उस समय महसूस हुई क्योंकि हमारे जो T-90 टैंक है वे वजन में काफी भारी है और उन्हें ऑपरेट कर पाना वहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। तब ये बात महसूस हुई कि हमारी भारतीय सेना को भी इन लाइट टैंकों की आवश्यकता है, इसलिए दोस्तों जोरावर टैंक बनाने का फैसला किया गया। अब भारतीय सेना के ताकत में और इजाफा होने वाला है। इन लाइट टैंकों का डेवलपमेंट ट्रायल शुरू हो चुका है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO आगे के परीक्षण के लिए इसे भारतीय सेना को अप्रैल तक दे सकते हैं। दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेना ने 59 जोरावर टैंक के उत्पादन और आपूर्ति का ऑर्डर DRDO को दे रखा है, और आपने L&T का नाम तो सुना ही होगा, ये कंपनी इसका प्रोडक्शन करेगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अपने नए इंजन के साथ लाइट टैंक को बनाने का काम शुरू हो गया है, और उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अप्रैल तक भारतीय सेना को ये दिए जाएंगे, और इसे L&T के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस लाइट टैंक का पहले रेगिस्तान और ऊंचाई वाले स्थानों पर परीक्षण के लिए दिसंबर तक भारतीय सेना को सौंपा जाना था, लेकिन जर्मनी से इंजन लेने थे, उसमें देरी हो गई, और यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट में थोड़ी देरी हुई। अगर जर्मनी से पहले से इंजन मिल जाते तो टैंक दिसंबर तक भारतीय सेना को सौंप दिए जाते, ताकि वे इन टैंकों से रेगिस्तान और ऊंचाई वाले स्थानों पर परीक्षण कर सके। दोस्तों, चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना ने उतनी ही डिप्लॉयमेंट अपने सैनिकों और हथियारों की है, इसलिए अब भारतीय सेना चीन के लाइट टैंकों के जवाब में अपना लाइट टैंक बना रही है। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है हमारे जोरावर लाइट टैंक के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना। इसके साथ आपको एक खबर और दे देते हैं। दरअसल दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेट टेस्ट रेंज से नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, और मिसाइल ने अपने टारगेट को बड़े ही एक्यूरेसी से मार गिराया। और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये टारगेट बहुत ही कम ऊंचाई पर और बहुत तेजी से उड़ान भर रहा था। आकाश एनजी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसमें ड्यूल प्लस सॉलिड रॉकेट मोटर लगी है, जो इस मिसाइल की स्पीड को बढ़ा देती है। इसकी रेंज की बात करें तो 40 से 80 किलोमीटर तक है। साथ ही इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे मल्टीफंक्शन रडार लगे हैं, जो एक साथ दुश्मन की कई मिसाइलों या विमानों को स्कैन कर सकते हैं। इस मिसाइल को मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं। इसके वजन की बात करें तो 720 kg, इसकी लंबाई जो है वो 19 फीट की और व्यास 1.16 फीट का है। ये अपने साथ 60 kg वजन का हथियार ले जा सकती है, और ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमानों या मिसाइलों को नष्ट कर सकती है। दोस्तों, सबसे ज्यादा खतरनाक है इसकी स्पीड। ये दुश्मन को बचने का मौका नहीं देती। ये दुश्मन की तरफ 3087 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ती है, यानी कि एक सेकंड में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। और इस मिसाइल के पुराने जो वेरिएंट है वो 2009 से ही भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। आकाश एनजी मिसाइल को T-72 या BMP चेसी या टाटा मोटर के हैवी ट्रक पर बनाए गए मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से दाग सकते हैं। इस मिसाइल के मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के लिए गाड़ियां टाटा मोटर बनाती है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं दोनों खबरों पर, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और ऐसी ही डिफेंस न्यूज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।